देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। बिजनौर पहुंचे रालौद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीरापुर विधायक चंदन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गन्ने के भाव को कम घोषित कर किसानों के साथ मजाक किया है। बिजली मीटर को लेकर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, युवाओं को रालौद को जोड़ा जा रहा है। इस मौके पर पूर्व सांसद मुंशी रामपाल, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी, हरवीर सिंह आदि मौजूद रहे। निराशा हाथ लगने का काम हुआ, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेके पिछले 1.5 से 2 महीने से किसान संदेश अभियान लगातार हमारा जारी था और बहुत से किसानों में, लाखों किसानों ने पत्र के माध्यम से सरकार को अवगत कराया कि जो गन्ने का भाव हमें मिल रहा है वो नाकाफ़ी है। उसके बावजूद भी सरकार के कानों पे कोई जू रेंगने का काम नहीं करा और एक छलावा मजाक किसानों को ही उड़ाने का काम किया और ना ही कोई दाम बढ़ाए। और अगले साल चुनाव होगा, शायद उसका इंतज़ार होगा। तो जहाँ किसान परेशान है, बिजली के मीटर की समस्या यहाँ भी शायद जनपद में होगी, किसानों का जो रेट था वो बढ़ा नहीं, पूर्व में भुगतान मेरे ख्याल से भिलाई की सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है और बड़ा भुगतान अभी जनपद बिजनौर के अंदर अभी बकाया है, जहाँ बहुत से वादे सरकार करके आई थी नौजवानों को लेके, आज कहीं ना कहीं जनपद बिजनौर में जो पूर्व की मांग थी, शायद विकास प्राधिकरण की घोषणा आज भी नहीं हुई है, मेरे ख्याल से हुई तो नहीं हुई। और स्वास्थ्य की समस्याएं हो, छोया नदी के किनारों जो है मेरे ख्याल से कई गांव हैं, आप लोगों के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप लोग बहुत सजगता से वो मांग उठा रहे हैं, कितने पेशेंट्स हमारे कैंसर के दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसमें विशेष पैकेज कोई मांग करेंगे। इस बार विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है, वहाँ गन्ने के भाव के साथ साथ बिजनौर विकास प्राधिकरण के साथ साथ और आपके छोया नदी में जो स्वास्थ्य कारणों पर उस पर विभिन्न नियम के द्वारा हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने का इस बार राष्ट्रीय लोकदल या पूरा विधानमंडल दल करने का काम करेगा। और दतियाना में भी जो है बंदा बनना था, एक आपका जो है जो प्रमुख मांग थी हमारी यहाँ बाला वाली पुल तक का जो है सड़क का चौड़ीकरण की प्रमुख मांग थी। और केंद्रीय विद्यालय में जो पूर्व में मांग थी, मैं अपने पिताजी के समय में देखा करता था, शायद अब तक वो पास नहीं हो पाया, उसके लिए जगह भी स्वीकृत ढूंढ के रखी थी, उस समय के DM थे हमारे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।